नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। अच्छी न्यूज ये है, मैंने आपको वीडियो डाल भी दिया, बाकी सब लोगों को पता भी लग गया होगा भाई कि यूएई सरकार ने इंडियन लोगों के लिए वीज़ा स्टार्ट कर दिए हैं। जी हाँ, आप किसी भी प्रकार के वीज़ा से वैलिड वीज़ा होना चाहिए, एक्सपायर वाले नहीं, कोई भी वीज़ा की आप वीज़ा लेके दुबई भी जा सकते हैं। लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये आ जाती है, अब लोगों के कमेंट आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, सर जी क्या हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, कौन से डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे, क्वारंटाइन सर्टिफिकेट वगैरह। तो हम इस पे डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। बता दूं साथियों, वीई ने 12 अगस्त बुधवार को घोषणा की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ICA ने, जी हाँ बुधवार को घोषणा की थी, यानी 12 अगस्त बुधवार को रेजिडेंस रिटर्न प्रोग्राम का ये दूसरा चरण है। इसमें ये बताया गया कि अब आप इंडियन लोग दुबई अगर आप यूएई आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, यानी आपको ये बता दीजिए नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो आपको किसी प्रकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास वीजा है, आपके पास टिकट है तो आप यूएई जा सकते हैं। लेकिन इसके शर्त साथ में क्या है वो इम्पोर्टेंट आप देख लीजिए, आपके पास COVID-19 की यूएई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल लेबोरेटरी से आपके पास COVID-19 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट का। ये आपको ध्यान रखने की बात है, ये आपके पास इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भाई आप प्लेन में लैंड इजाज़त देने से पहले यात्री से चेक कर लें कि COVID-19 नेगेटिव का उसके पास जो प्रमाण पत्र है वो 96 आवर्स पहले का होना चाहिए। जी हाँ, उससे पुराना होगा तो भैया आपका टिकट, आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है, आपको फ्लाइट के लिए अथॉरिटी नहीं मिलेगी फ्लाइट करने की। जी हाँ, तो आप समझ चुके हैं साथियों, ये आपके पास होना चाहिए। बाकी भैया कोई भी प्रकार की कोई भी परमिशन आपको ICA से सब कहीं से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वीज़ा टिकट प्लस COVID-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र 96 आवर्स पहले का होना चाहिए। जी हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए आपको, समझ गए बात को। बाकी सरकार ने भैया जो विजिट वीज़ा वाले थे जो एक्सपायर हो गए थे दुबई में, उनको भी एक महीने का ग्रेस पीरियड दे दिया, लेकिन 1 मार्च के बाद वालों को, जैसे मार्च के बाद होता है ना अप्रैल, पहले वालों को अभी तक देखते हैं 17-18 अगस्त उसकी लास्ट है, उसकी क्या अपडेट आती है बताएंगे। साथ में इसमें सरकार ने यह भी बोला है कि भाई दुबई में आपको लैंड होने से पहले, एयरपोर्ट से पहले निकलने से पहले, बता दूं आपको अल होसन एक वहाँ का ऐप है, जैसे इंडिया में है ना ऐप COVID-19 वाला, उसी तरीके से ऐप है, अपने प्ले स्टोर पर जाके वो ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा, जिससे आपको अपनी बॉडी चेकअप का पता लगता रहता है कि भाई आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम या पड़ोस में कहाँ वगैरह वगैरह जो उसका प्रोसेस है वो आपके समझ में आ जाएगा। अल होसन ऐप आपको डाउनलोड करना है। तो आप समझ गए होंगे, वैलिड आपके पास वीज़ा टिकट प्लस COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट 96 आवर्स यानी घंटे पहले की, अल होसन आप ऐप डाउनलोड करना है, बस सिंपल सी है। बाकी कोई किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, टिकट भी आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए बॉम्बे, महाराष्ट्र, राजस्थान, कहीं से भी है, कोई भी एजेंट के पास, एजेंसी के पास जाके टिकट बनाओ और दुबई पहुंच जाओ, यही पहुंच जाओ। बस यही जानकारी देनी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद।